हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपके लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्रांसफ़र पर फीस के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें एंड आल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड आल इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधा आपको ले चलते हैं UPSMF की वेबसाइट पर। तो फ्रेंड्स, लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं और इस समय हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर। तो जो कमेंट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि सर, अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में नहीं हुआ तो क्या फीस वापस होगी कि जो पहले ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है वही कॉलेज रहेगा? और ये बताइए, जो कॉलेज नया मिलेगा उसमें भी फीस जमा करना पड़ेगा, यानी दो दो बार फीस जमा करने पड़ेगा? और जो फीस अगर वापस होगा तो कैसे होने वाला है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ कि जो आपके कमेंट लगातार सेकेंड राउंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग मेरे पास आ रहे हैं, तो हर एक कमेंट का जवाब देना लगभग मुश्किल है, लेकिन लगभग मुझे लगता है कि 90 से 95% कमेंट का जवाब दे ही देता हूँ। लेकिन आपके जो कमेंट लगातार एक टॉपिक पर आते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आप कन्फर्म रहें कि आप अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपका अगर हो जाता है, तो फ्रेंड्स जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर, सेकेंड राउंड काउंसलिंग में क्या जो हमें कॉलेज चाहिए वो सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस डालना पड़ता है? तो हाँ फ्रेंड्स, जो आपको कॉलेज चाहिए है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा तो आपका आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैं आपके लिए बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अब बात करते हैं कि अगर आपका ट्रांसफर किसी मनपसंद कॉलेज में हो जाता है तो आपको क्या वहां पर दोबारा फीस देने की जरूरत है? फ्रेंड्स नहीं, आपको दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, अगर दोबारा फीस जमा नहीं करेंगे, दोबारा फीस अगर वहां नहीं देना पड़ेगा, तो वहां उस इंस्टीट्यूट उस कॉलेज में पढ़ाई कैसे हो पाएगी? तो फ्रेंड्स, आप कन्फर्म रहे कि आपको एक ही डिप्लोमा के लिए, एक ही सेम डिप्लोमा के लिए आपको एक बार ही फीस देना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी कोई इस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है और आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं और आपने कॉलेज लॉक कर दिया ये, या आपने अभी तक ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स दोनों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अपना नियर बाई कॉलेज चाहते हैं या ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रखे हैं। अगर उन्हें नियर बाई कोई कॉलेज मिलता है तो आप ये करिए, सबसे पहले आपको जो कॉलेज मिला है, यानी इस टाइम जो आपको कॉलेज मिला है जिसमें आपका एडमिशन हो चुका है, उसमें आप जाइए और उनसे कहिए जहाँ पर आपकी फ़ीस जमा हुई है कि या तो आप हमारा ट्रांसफ़र कर दें उसी खाते में जहाँ पर हमें नया एडमिशन मिला है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, या हमारी फ़ीस रिफ़ंड कर दें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिंपल यही रहता है कि वो लोग फीस आपकी रिफंड कर देते हैं, जितना भी ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है वो काट के आपका फीस रिफंड कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि जो लगातार कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में ना हुआ या हमने एडमिशन ना लिया, तो क्या हमारा जो पहले सीट अलॉटमेंट हुआ है क्या वो हमारा बरकरार रहेगा या बरकरार नहीं रहेगा? तो फ्रेंड्स, इस फंडे को भी समझना बिल्कुल आसान है। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग लिया और ऑलरेडी आप किसी में एडमिशन ले रखे हैं, और अगर आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, वैसे ये कंफर्म कर दूं कि जिन स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में एडमिशन हो जाता है उनमें बहुत अधिक चांस रहता है, लगभग 100% चांस रहता है कि उनका सेकंड राउंड काउंसलिंग में आसानी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जिनका पहले में हो चुका है उनका आसानी से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिला, अगर उसमें आपने एडमिशन नहीं लिया, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो दोनों कॉलेजों में आपकी अर्हता, आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। नंबर दो बात, अगर आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और आपने वहां पर एडमिशन ले लिया सेकंड में जहां हुआ है, तो आपका पहला जो प्रवेश है जहां पे आपका फर्स्ट काउंसलिंग में हो गया है वहां का आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग लगातार इस चांस में बैठे हैं कि नियर बाई मिल जाए तभी लूंगा अन्यथा मैं छोड़ दूंगा और फिर थर्ड राउंड फोर्थ राउंड काउंसलिंग की बात करूंगा पहले और पहले बाप, तो वो बिल्कुल ध्यान रखें, अगर सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलता है, अगर आपने वहां पर एडमिशन नहीं लेते हैं आप, तो आपका प्रवेश पूर्णता निरस्त माना जाएगा, आपको फिर कोई मौका नहीं मिलेगा नेक्स्ट काउंसलिंग का।
और आपको कोई कॉलेज मिल जाता है और आप उसमें प्रवेश ले लेते हैं, तो पहले जो आपका कॉलेज मिला है, पहले जो आपको कोर्स मिला है, वो आपको निरस्त माना जाएगा। तो फ्रेंड्स यही बातें हैं जो उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मुझे लगता है कि आपके जो भी कमेंट है इसके रिगार्डिंग आपको उसके आंसर मिल गए होंगे। अभी तक आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।